चंचल हिरन, लिपा छिपी खेलने वाले खरगोश, पक्षियों की मधुर आवाज, फलों फूलों से भरे वृक्षों के साथ झूमने वाला गंगा नदी का किनारा। कास्य मुनि कुछ अन्य ऋषियों के साथ एक यज्ञ कर रहे थे। तभी कुछ दूर नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने उस यज्ञ के दृश्य को देखा। नारायण नारायण, अच्छा तो यहाँ यज्ञ चल रहा है। चलो तो आज मैं इन्हीं ऋषियों से मेरी लीला आरंभ करता हूँ। शायद यही प्रभु की इच्छा है। नारायण नारायण। नारद मुनि यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए। आपका स्वागत है नारद मुनि, सुस्वागतम। मैं तो इस रमणीय नदी की सैर कर रहा था, आपके यज्ञ की आवाज सुनी तो यहाँ चला आया। अगर मैंने आपके यज्ञ में बाधा डाली हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नारद मुनि, आपके आने से तो हमारा यज्ञ सफल हो गया, कृपया आपके आने का कारण बताइए। नारद मुनि यूं ही किसी कारण के बिना नहीं आते। आपका यज्ञ तो महान है, लगता है कोई बड़ा फल प्राप्त करना चाहते हैं आप। पर इस यज्ञ का फल आप किसे देंगे? अभी तो इस विषय में सोचा नहीं। हमारा यज्ञ तो सारे संसार के कल्याण के लिए है मुनिवर। नारायण नारायण, तब तो इस यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु या महेश को मिलना चाहिए, है ना ऋषिवर? सुझाव तो अच्छा है, पर किसे, तीनों में कौन श्रेष्ठ है, ये कैसे तय करें? नारायण नारायण, आसान है। आप में से कोई एक मुनि तीनों लोकों में जाकर इसका निर्णय ले लें, श्रेष्ठ देवता तय करें और फल उसे प्रदान करें। तो इस काम के लिए हम में से कौन योग्य है मुनिवर? मेरी नजर में तो भृगु ऋषि ही इस कार्य के लिए सर्वोज्ञ है। आपकी क्या राय है? हाँ, यही योग्य है। ठीक है, मैं जाता हूँ। भृगु ऋषि निर्णय के लिए निकल पड़े। पहले वे ब्रह्मा से मिलने सत्यलोक गए। उन्हें आशा थी कि सत्यलोक में उनका अच्छा आदर सत्कार होगा, पर वहां तो कुछ और ही उनका इंतजार कर रहा था। एक बड़े कोमल कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा, समीप बैठी देवी सरस्वती के साथ वे चर्चा में मग्न थे। चर्चा में वे इतने मग्न थे कि उन्होंने सामने खड़े भृगु ऋषि की ओर देखा भी नहीं। ये देखकर भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। हे ब्रह्मा, मेरे आगमन को अनदेखा करके तुमने मेरा अपमान किया है। क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अनदेखा किया, क्षमा कीजिए, पर आपका अपमान करना ये मेरा उद्देश्य नहीं था। असंभव, तुम्हें क्षमा नहीं। मैं तो हमारे यज्ञ का फल तुम्हें देने आया था, पर तुमने मेरा घोर अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से भूलोक में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। उसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर श्री शिव जी से मिलने गए। कैलाश पर मृगा जिन पर बैठे भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एकांत में बातें कर रहे थे। भृगु ऋषि के वहां अकस्मात आने से शिव क्रोधित हो गए। मुनिवर, आप यहां बिना अनुमति के कैसे आ गए? पति पत्नी के एकांत में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हे शिव, क्रोध ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से भूलोक में कोई भी तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं करेगा। तुम केवल लिंग रूप में ही पूजे जाओगे। मुनिवर भृगु का क्रोध तो ज्वालामुखी समान उबल रहा था। उसी मनस्थिति में वे भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ चले गए।
शेषनाग की शैया पर आराम से लेटकर भगवान विष्णु सारे संसार को भूलकर देवी लक्ष्मी के साथ वार्तालाप करने में मग्न थे। ये देखकर पहले ही दो बार अपमानित हुए भृगु ऋषि और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बाएं पैर से महाविष्णु के वक्ष स्थल पर लत्ता प्रहार किया। विष्णु ने उनके चरणों को आदर से पकड़ लिया। क्षमा करें मुनिवर, मेरी कठिन छाती पर लत्ता प्रहार करके आपको कष्ट हुआ होगा। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हमें क्षमा करें। महाविष्णु की बातें सुनकर मुनिवर का क्रोध कुछ कम हुआ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ महाविष्णु, हमारे यज्ञ का संपूर्ण फल आपको ही मिलेगा और आप भूलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में जाने जाओगे। यहाँ राजमहल में लक्ष्मी क्रोधित थी। तुम क्रोधित क्यों हो लक्ष्मी, क्या बात है? बस रहने दो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सब कुछ जानते हुए भी भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। देवी, मेरा विश्वास करो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपके हृदय में मेरा स्थान है और ये जानते हुए भी उस ऋषि ने आपके सीने पर लत्ता प्रहार किया और आपने तो उनसे ही क्षमा याचना की। इसका मतलब आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं देवी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। देवी नहीं प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरा निर्णय अटल है। मैं करवीर नगरी तप करने जा रही हूँ, मुझे क्षमा करें और आज्ञा दें। श्रीनिवास निराश होकर भूलोक पर एक घने जंगल में भटक रहे थे। रास्ते में एक चींटियों की बांबी देखकर वे रुक गए। शायद यही मेरे रहने के लिए योग्य स्थान है। भगवान श्रीनिवास ने बांबी में प्रवेश किया और द्वापर युग के समाप्त होने तक वहीं पर तपश्चर्या करने का निर्णय लिया। राजमहल में निराश बैठी लक्ष्मी के सामने शिव और ब्रह्मा प्रकट हुए। हे देवी, आपके श्रीनिवास पर रूठ कर जाने के पश्चात वो भी वैकुंठ छोड़कर चले गए। अब वो वराह भगवान के शेषाद्री पर्वत पर एक चीटियों की बांबी में तपश्चर्या कर रहे हैं। उन्होंने तो भोजन का भी त्याग कर दिया है देवी, हमें बहुत चिंता हो रही है। देवी, एक उपाय है। श्रीनिवास के पास जाने के लिए मैं बछड़ा और ब्रह्मा गाय का रूप धारण कर लेते हैं और आप ग्वालन का रूप लेकर हम दोनों को यादव नरेश के पास छोड़ आइए। और इस प्रकार ग्वालन गाय और बछड़े को लेकर राजमहल गई। एक सिपाही ने इस बात की खबर राजा को दी। महाराज की जय हो। महाराज, एक ग्वालन गाय और बछड़े के साथ आपसे मिलना चाहती है। ग्वालन, आने दो से। महाराज, ये गाय बहुत ही खास है, ये रोज 5 सेर दूध देती है। महाराज, ये गाय और बछड़ा कितने सुंदर है, क्या हम इन्हें रख लें? मैं इनका ध्यान रखूंगी। ठीक है, इस गाय और बछड़े को महल की गौशाला में बांध दो और अपना मूल्य लेकर जाओ। कौन है वहाँ? इस गाय और बछड़े को चराने के लिए एक चरवाहे का इंतजाम करो। अगली सुबह सूरज निकलने पर वो चरवाहा गाय को चराने जंगल ले गया। कुछ दूर गाय को चरने छोड़ने के बाद वो एक विशाल पेड़ की छाया में सो गया। गाय के रूप में ब्रह्मा उस चींटी के बांबी के पास गए जहां श्रीनिवास तपश्चर्या कर रहे थे। उन्होंने दूध अंदर डाला। सब कुछ जानकर श्रीनिवास ने दुग्ध प्राशन किया। अरे, वो ग्वालन तो कह रही थी कि ये गाय एक दिन में 5 शेर दूध देगी। आज 6 दिन हो गए पर अब तक सिर्फ आधा शेर ही दूध मिला है। तुम आज सारा दिन इस गाय पर नजर रखना, मुझे इस बात का कारण जानना ही है। जाओ। रानी की आज्ञा के अनुसार वो चरवाहा एक पत्थर के पीछे छिपकर सारा दिन गाय पर नजर रखे हुए था। रोज की तरह गाय ने बांबी के समीप जाकर श्रीनिवास जी को दूध दिया। अच्छा,
तो ये गाय रोज यहाँ आकर दूध देती है। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में आकर उस चरवाहे ने अपनी कुल्हाड़ी उस गाय पर फेंकी, परंतु वह कुल्हाड़ी बाहर निकलने वाले श्रीनिवास को जाकर लगी। मूर्ख, मुझे दूध देने वाली गाय को मारने का साहस किया तुमने? मैं अब तुम्हारा ही जीवन समाप्त करता हूँ। श्रीनिवास जी की फेंकी हुई कुल्हाड़ी ने चरवाहे का सिर काट दिया। यहाँ वह गाय राजमहल के द्वार पर चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर राजा ने बाहर आकर देखा। ये क्या, गाय के शरीर पर खून? जरूर कोई दुर्घटना घटी है। अपने सिपाहियों के साथ राजा उस गाय के पीछे जंगल में गया। घटनास्थल पर चरवाहे को मृत देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। किसने मारा इसे? सिपाहियों, ढूंढो उस खूनी को, पकड़कर कठोर दंड दो उसे। तभी भयंकर आवाज के साथ नारायण बांबी से बाहर निकले। राजन, अपने सेवक के किए कर्मों की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है। मुझे बड़े प्रेम से दूध देने वाली गाय पर हमला करने का दुस्साहस इसने किया था, और इसके साथ साथ तुम भी पाप के भागी हो। अब तुम्हारी आत्मा इस जंगल में भटकेगी, यही तुम्हारा दंड है। जाओ, भुगतो अपने कर्मों का फल, जाओ। क्षमा भगवान, क्षमा। सच को जाने बिना ही मैं अपना संतुलन खो बैठा, मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति दीजिए भगवान, मुक्ति दीजिए। राजन, अगर तुम्हें हकीकत में इस चरवाहे की करनी पर पछतावा है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगले जन्म में तुम आकाश राजन के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारी पद्मावती नामक कन्या से विवाह करके मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। श्रीनिवास अपने माथे से बहते खून को रोकने के लिए जड़ी बूटी ढूंढते हुए अनेक वनों तथा पर्वतों पर घूम रहे थे। अंत में वराह स्वामी के राज्य में उसके महल जाकर उन्हें मिले। वराह स्वामी को उन्होंने भृगु ऋषि का आगमन, उनका लत्ता प्रहार और लक्ष्मी के चले जाने तक की सारी कथा सुनाई। अब आपका निवास कहाँ है भगवान? कलयुग की समाप्ति तक मैंने भूलोक पर तपश्चर्या करने का निर्णय लिया है। अगर ये बात है तो आप इस पर्वत पर रह सकते हैं, लेकिन 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 क्या? इसके बदले आपको मुझे कुछ धन देना होगा। वराह स्वामी, आपकी मांग बिल्कुल उचित है, किंतु लक्ष्मी के मुझे छोड़कर जाने से मैं अब निर्धन हो गया हूँ। किंतु आप चिंता न करें, मेरे भक्त आपके दर्शन के बाद ही मेरा दर्शन करेंगे, तो प्राप्त होने वाले सारे फल आप ही को मिलेंगे। मुझे मंजूर है भगवान। वराह स्वामी श्रीनिवास को बकुल मलिका के पास ले गए। बकुल मलिका, नारायण कलयुग की समाप्ति तक भूलोक पर रहना चाहते हैं, उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। कृष्णा, पिछले जन्म में तुम मेरी लाडली पुत्र थे। नारायण, तुम्हें चोट कैसे लगी? बकुल मलिका, मैंने तुम्हें पिछले जन्म में एक वचन दिया था, याद है, कि अगले जन्म में तुम मुझे दूल्हा बनते देखोगी। ऐसे ही वार्तालाप करते हुए बकुल मलिका ने बड़े प्रेम से श्रीनिवास का उपचार किया और फिर उनकी देखभाल की। चंद्रगिरी, गुरु शुकाचार्य के महल में। आइए आकाश राजन, ये शुकाचार्य आपका स्वागत करता है। शुकाचार्य, मैं और मेरी पत्नी संतान के लिए तरस रहे हैं, अब सिर्फ आप ही हमें कुछ उपाय बता सकते हैं। धीरज रखे आकाश राजन, कुलदीपक पाने के लिए आप एक यज्ञ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुकाचार्य के उपाय के अनुसार संतान प्राप्ति के यज्ञ के लिए नदी किनारे एक सुंदर स्थान निश्चित किया गया। आकाश राजन वहां सोने की कुल्हाड़ी से खोद रहे थे। अचानक एक आवाज सुनकर वे रुक गए।
और बारीकी से देखने पर उन्हें आश्चर्य हुआ। ये क्या, भूमि में सोने की पेटी? उस पेटी के खोलने पर वो अचंभित हो गए। उसके अंदर एक कमल पुष्प पर एक सुंदर बालिका लेटी हुई थी। उस सुंदर बालिका को राजा ने अपनी पत्नी तारिणी देवी को देकर उसे अपनी ही संतान समझकर उसका पालन करने को कहा। अरे ये तो कन्या है, मैं इस सुंदर कन्या का नाम पद्मावती रखती हूँ। काल चक्र चलता रहा और समय के साथ पद्मावती बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर युवती बन गई। सखी, क्या तुमने वो आवाज सुनी? जरा ध्यान से सुनो, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। कुछ करो सखी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ देवी, अरे बाप रे, वो देखो, वो हाथी पागल होकर हमारी दिशा में आ रहा है। सौभाग्य से उस पागल हाथी के पीछे स्वयं नारायण आ रहे थे। उन्होंने उस हाथी को रोका, वहाँ भयंकर लड़ाई हुई। आखिर नारायण ने उस हाथी को भगा दिया। रुकिए, आपने बिना अनुमति राजवाटिका में प्रवेश कैसे किया? ये महाराज आकाश राजन की वाटिका है, जानते नहीं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। इस रंग बिरंगी फूलों से भरे बगीचे में तितली जैसी सुंदर युवती को देखकर मैं समझ गया कि ये जरूर राज बगीचा होगा। तुम कौन हो सुंदरी? भूलोक पर तुम्हारे इस स्वर्गीय सौंदर्य ने मुझे मोहित किया है। अब तो बस मैं सिर्फ तुम्हें ही पाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। खबरदार, क्या आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? यह महाराज आकाश राजन की कन्या राजकुमारी पद्मावती है। राजकुमारी है तो क्या हुआ, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता? अरे मैं भी ऊंचे कुल का हूँ। बस करो, मेरा विवाह भगवान श्रीनिवास के साथ होने वाला है, इसकी घोषणा हो चुकी है। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। श्रीनिवास नारायण उदास बैठे थे, तभी बकुल मल्लिका वहां आई। ये क्या श्रीनिवास, हमेशा तो शिकार से लौटते ही भूख से रहा नहीं जाता, ये आज तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ खो गए हो? लगता है जरूर अपनी मनचाही युवती से मुलाकात हुई है। मैं सच कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक समझा बकुल मल्लिका। अच्छा तो ये बात है, मुझे बताओ वो कौन है, मैं अभी जाकर बात पक्की करके आती हूँ। उसका नाम पद्मावती है, आकाश राजन और तारिणी देवी की कन्या। एक जंगली हाथी से जूझते हुए मैं एक राजवाटिका में पहुंच गया और उसी राजवाटिका में मैंने उस सुंदर युवती को देखा। पद्मावती के बारे में एक रहस्य है, तुम मेरी परम भक्त हो, मेरी देखभाल करती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नारायण विस्तार से रहस्य बताने लगे। पिछले जन्म में मैं श्री राम के रूप में अवतारित हुआ था। उस समय मेरी पत्नी सीता को रावण ने अगवा कर कुछ समय तक अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। संसार को अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए सीता ने अग्नि प्रवेश किया। उस अग्नि से दो सीताएं प्रकट हुई। अग्नि देवता ने मुझे यानी कि श्रीराम से कहा कि ये वेदवती है, श्री नारायण से विवाह करने की इच्छा से वो हिमालय पर तपश्चर्या कर रही थी। तब वहां से गुजरते हुए रावण ने उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर उसके साथ अनाचार करने का यत्न किया। रावण के कामाग्नि से बचने के लिए उसने अग्नि प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने उसे बचाया। अग्निदेव ने श्रीराम से आग्रह किया कि वो सीता और वेदवती से विवाह कर लें। लेकिन मेरा श्रीराम का उस जन्म में एक पत्नी व्रत था, मैंने उस जन्म में सीता के साथ विवाह किया था।
इसीलिए मैं वेदवती के साथ विवाह नहीं कर सका, पर मैंने अग्निदेव को कलयुग में वचन निभाने का वादा किया और अब उस वचन को पूरा करने का समय आ चुका है। वेदवती से विवाह करने का समय आ चुका है। नारायण, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर पद्मावती के साथ आपका विवाह निश्चित कराती हूँ। नारायण अकेले ही सोच रहे थे। बकुल मलिका मेरे मन को समझती है, वो पद्मावती से विवाह निश्चित करके आएगी भी, परंतु मेरा मन मकड़ी के जाल में फंसे भौरे की भांति तड़प रहा है, पद्मावती से मिलने व्याकुल हो रहा है। नारायण ज्योतिष बताने वाले युवती का रूप धारण कर पद्मावती से मिलने गए। देवी, ज्योतिष जानने वाली एक युवती आपसे मिलने की अनुमति चाहती है, वो राजमहल के द्वार पर खड़ी है, क्या आज्ञा है? अच्छा, उसे तुरंत यहाँ ले आओ। महारानी, आपके मन की चिंता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस राजमहल में विवाह मंडप सजाने का समय निकट आ चुका है। क्या कहा, साफ साफ कहो। राजकुमारी, जरा अपना हाथ तो दिखाइए। जब आप बगीचे में सहेलियों समेत थी, तब एक क्रोधित हाथी आपको मारने आया था। आप तो डर गई थी, पर अचानक एक शिकारी वहां आ पहुंचा। उस शिकारी ने आपको उस हाथी से बचाया। उस समय हाथी तो चला गया, लेकिन राजकुमारी, शिकारी के प्रति आपके मन में प्रेम भाव ने प्रवेश कर लिया। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, वह शिकारी स्वयं श्रीमन नारायण है। महारानी, आपसे मिलने के लिए बकुल मलिका नामक एक स्त्री आई है, उसे तुरंत यहाँ ले आओ। महारानी, मेरा नाम बकुल मलिका है, मैं श्रीनिवास की पालन करता उसकी माँ हूँ। मेरा पुत्र आपकी कन्या से विवाह करना चाहता है, मैं आपका विचार जानना चाहती हूँ। राजा और रानी तो देखते ही रह गए। बकुल मलिका, आपकी इच्छा हमने सुनी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम तो इसका विवाह श्रीमन नारायण से ही करना चाहते हैं, जिसकी हम रोज पूजा करते हैं। हम शीघ्र ही आपको विवाह की सम्मति भेज देंगे। वहां श्री नारायण के महल में स्वागत है। शुक महर्षि, आइए, क्या समाचार लाए हैं आप? मैं नारायणपुर के महाराज आकाश राजन का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने आपका विवाह पद्मावती से निश्चित किया है। अरे वाह, ये तो बड़े ही भाग्य की बात है। तो जिस सुंदरी ने शिकार के समय मेरा मन मोह लिया, उसी से मेरा विवाह हो। विवाह की तैयारी बड़े उत्साह से चल रही थी, पर श्रीनिवास चिंतित थे, अपने गाल पर हाथ रखकर उदास बैठे थे। तभी शिवजी और ब्रह्मा प्रकट हुए। सारा राज्य विवाह की खुशी मना रहा है, पर आप चिंतित क्यों हैं श्रीनिवास? शिवा, सब कुछ जानते हुए भी आप ये प्रश्न कर रहे हैं? लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई है, इसीलिए इस विवाह के खर्चे को लेकर मैं चिंतित हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप चिंता छोड़िए, हम कुबेर को बुलाते हैं और उससे ऋण लेते हैं। बड़े बूढ़ों तथा देवताओं के आशीर्वाद और पुष्प वर्षा के साथ नारायण और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सूर्य भगवान श्री नारायण से दूर चली गई लक्ष्मी को लेकर स्वयं उपस्थित हुए। लक्ष्मी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। राजा आकाश राजन और रानी तारिणी देवी से आशीर्वाद लेकर दोनों वेंकटाद्री पर्वत पर अपने निवास चले गए। पति पत्नी बहुत खुश थे, प्रकृति का आनंद लेते हुए
एक दूसरे के प्यार में सारे संसार को भुलाकर दोनों अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे, उसी समय एक दुखद वार्ता सामने आई। राजकुमारी, आपके पिता महाराज अभी संसार में नहीं रहे। वसुदामन और उनके मामा तोंडई मान में राज्य के लिए विवाद चल रहा है। महामंत्री ने आप दोनों को सत्वर नारायणपुर आने की विनती की है। श्री नारायण के सामने अब एक कठिन समस्या थी। वसुदामन और तोंडई मान दोनों ही उन्हें प्रिय थे। उन्होंने अपना चक्र तोंडई मान को दिया और वो स्वयं वसुदामन की सेना के साथ चले गए। घनघोर युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। यही करना उचित है। श्री नारायण ने अपनी लीला दिखाई। ये मैंने क्या किया? मैंने स्वयं अपने हाथों से परम पूज्य श्रीमन नारायण पर बाण चलाया। मैं इस पाप के लिए क्षमा योग्य नहीं हूं। वसुदामन, तोंडीमान, ये सब मेरी ही लीला थी तुम दोनों को समझाने के लिए। तुम दोनों इस राज्य को बांट लो और एक आदर्श राज्य का निर्माण करो। तोंडीमान, मैं अब पद्मावती के साथ अगस्ती मुनि के आश्रम जा रहा हूं। इस पर्वत पर तुम हमारे लिए एक मंदिर का निर्माण करो। सारे भक्तजन यहाँ आकर हमारे दर्शन करेंगे। कलियुग की समाप्ति तक मैं यही रहकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दूंगा। श्री नारायण के निवास स्थान पर। स्वामी, आप निराश क्यों हैं? पद्मावती, तुम तो जानती ही हो हमारे विवाह के लिए मैंने कुबेर से ऋण लिया है। बहुत समय बीत गया, अब असल समेत उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। स्वामी, आप तुरंत देवी लक्ष्मी को बुलाकर उन्हें अपने साथ ही रख लीजिए। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प अर्पण करके श्री नारायण पद्म तीर्थ पर तपश्चर्या करने लगे। देवी लक्ष्मी भृगु महर्षि के साथ प्रकट हुई। देवी, मुझे क्षमा करें, मेरे अपराध के कारण आप श्री नारायण को छोड़कर चली गई थीं, पर अब उनके साथ मिलकर इस संसार को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। देवी, कृपा करके तुम अब मेरे पास आ जाओ। यहाँ तुम्हारे भक्त तुम्हारे दर्शन करके समृद्धि का आशीर्वाद पाएंगे। तुम्हारे दर्शन के लिए आने वाले भक्त मेरे भी दर्शन करेंगे और संपत्ति का एक हिस्सा मुझे भी अर्पण करेंगे, और वही संपत्ति कुबेर का ऋण चुकाने के काम आएगी। देवी, लक्ष्मी देवी मान गई और उसी पर्वत पर श्रीमन नारायण देवी समेत अपने भक्तों को दर्शन देने लगे।